नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के खेसर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा टोला में 80 वर्षीय बुढ़ मीरालाल शर्मा की हत्या उनके ही नाती रोहित शर्मा ने सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। खेसर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर हत्यारा रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे जमीन जगह व संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। रोहित ने पुलिस को बताया कि उसके नाना मीरालाल शर्मा उसकी मां की बातों पर चलता था, इसलिए उसने नाना की हत्या कर दी। पुलिस सबको पोस्टमार्टम में भेजकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। यहां मालूम हो कि मृतक मीरालाल शर्मा को एक ही पुत्री पुतुल देवी है, जिसकी शादी अमरपुर थाना क्षेत्र के कुमरखाल गांव निवासी विकास शर्मा से हुई है, जिसके दो पुत्र सोनू शर्मा एवं रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा नाना की जमीन जगह सारी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए पहले भी कई बार मारपीट जैसी घटना कर एवं केस मुकदमा में जेल जा चुके हैं। जमीन व संपत्ति मामले को लेकर रोहित शर्मा ने बुधवार की रात अपने नाना मीरालाल शर्मा के घर में सोए अवस्था में कुल्हाड़ी से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी 75 वर्षीय पावो देवी का रो रोकर बुरा हाल है। उक्त घटना को लेकर यहां ग्रामीण के हाथ पर्व है। बांका SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव एवं अमरपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान के तहत क्षेत्र के बीरमा गांव से अवैध लोडेड 2 हथियार बरामद किया गया है। मौके से गृह स्वामी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर बीरमा गांव निवासी जागेश्वर मंडल के पुत्र सनीरुद्ध कुमार सिंह उर्फ सनीरुद्ध मंडल के घर में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोडेड 2 अवैध हथियार बरामद किया गया है। वहीं छापेमारी की सूचना मिलने पर गृह स्वामी का घर छोड़कर फरार हो गए। गृह स्वामी के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी अभियान में हांका SDPO के साथ अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक राजीव रंजन, राजेश कुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पौदार रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसको लेकर अंग्रेजी विभाग के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं शिक्षकों के द्वारा गुलदस्ता देकर प्राचार्य का स्वागत किया गया। वहीं अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद्र राय ने कहा कि बहुत ही मृदुभाषी लोग हैं। पहले वह अंग्रेजी विभाग के ही विभागाध्यक्ष थे, उसके बाद वह महाविद्यालय के प्राचार्य बने। उनके कार्यकाल में महाविद्यालय के अंदर ही महिला विंग के लिए कॉलेज खोला गया है। उनके कार्यकाल में महाविद्यालय में अनेकों गति एक्टिविटी के कार्य देखने को मिला है। आशा है कि जो भी नए प्राचार्य महाविद्यालय में पद स्थापित होंगे वह इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और शैक्षणिक गतिविधि में अहम योगदान देंगे। वही प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पौदार विदाई समारोह के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप मेरा कार्यकाल काफी सफल गुजरा है। मैं यहाँ के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही उन्होंने छात्रों से कहा कि उन्हें जब भी जरूरत होगी तो वो उन लोगों के लिए उपस्थित रहेंगे। मौके पर विभाग के विभागाध्यक्ष अवधेश कुमार रजक, डॉक्टर राम सेवक सिंह के अलावे कई विभाग के शिक्षक के साथ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन विशाल, निशा और साक्षी ने किया, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में मोनू, अंकित, सुधांशु, रुचि, मोनिका और महाविद्यालय के अन्य छात्रों का योगदान रहा। आज उनकी दक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारे यहाँ एक विशाल बिल्डिंग, मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर महिला विंग इनके सफल नेतृत्व में बना है। आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा कॉलेज और विकसित हो, साथ ही साथ इनका जो लाभ हमारे डिपार्टमेंट को मिलता रहे।